हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विज्ञान इंस्टीट्यूट। माय नेम इज प्राची कौशिक। बट अभी हमने अपने क्लास ट्वेल्थ का जो हमारा चैप्टर है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये हमारा फोर्थ चैप्टर है। इसमें हमने अपने 50 क्वेश्चंस एमसीक्यू फिनिश कर लिए, ठीक है। अब जो हमारा 51 क्वेश्चन है, हमको स्टार्ट करते हैं इससे आगे। तो देखो यहाँ पे क्या कहता है, व्हाट इज द फिगर गिवन बिलो शोइंग अ पर्टिकुलर। मतलब आपको यहाँ पे एक फिगर शो किया हुआ है, इसमें आपको बताना है ये किसका फिगर है। फर्स्ट इस यहाँ पे क्या कह रहा है, ओवेरियन कैंसर, यूट्राइन कैंसर, ट्यूबेक्टोमी, वैसेक्टोमी। वैसे तो आपको पता है जो आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, आपको इसमें यहाँ पे आपको डायग्राम देख के समझ गए होगे वाला कौन सा है, ठीक है। तो ओवेरियन कैंसर और यूट्राइन कैंसर तो नहीं है। अब यहाँ पे आता है ट्यूबेक्टोमी या वैसेक्टोमी। तो ट्यूबेक्टोमी का मतलब हो गया यहाँ पे ट्यूब। ट्यूब किस में आती है, हमारी फीमेल में आती है, जो कि आती है हमारी फैलोपियन ट्यूब, है ना, फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। तो ये वाला हो गया हमारा ट्यूबेक्टोमी। और वैसेक्टोमी में क्या आती है, वास डिफरेंस। वास डिफरेंस किस में आता है, मेल में। तो अब आप देख के बताओ ये वाला स्ट्रक्चर किसका, ये वाला स्ट्रक्चर किसका है, हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। तो ये किसका हो जाएगा, हमारा ट्यूबेक्टोमी हो जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 52 में, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रासेप्टिव मैथड्स करेक्टली मैच विद इट्स मोड ऑफ एक्शंस। मतलब यहाँ पे किस कॉन्ट्रासेप्टिव मैथड्स हैं, उसमें मोड ऑफ एक्शन है, इसमें यहाँ पे कौन सा करेक्ट ऑप्शन है हमारा, ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी में क्या कहता है कि मेक्स द यूट्रस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन। मतलब यूट्रस को अनसुटेबल कंडीशन बना देना फॉर द इम्प्लांटेशन। तो हमारा ये तो हमारा करेक्ट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अभी हमें पता है कि फैलोपियन ट्यूब को हमें टाइड अप किया जाता है और कट किया जाता है, जिससे कि जो फ्लो ऑफ ओवा है या एग है वो पास आउट ना हो, एक मतलब फ्लो ना हो, है ना, वन प्लेस टू अनदर प्लेस में। तो यूट्रस से तो कोई कनेक्शन नहीं है उसका, तो ए ऑप्शन तो होगा नहीं। नेक्स्ट देखो ओरल पिल्स। ओरल पिल्स में क्या आता है, इनहिबिट ओवुलेशंस। ओरल पिल्स क्या करती है, इनहिबिट करती है ओवुलेशंस को। ये करेक्ट है, क्योंकि प्रोगेस्टेरोन का यहाँ पे हार्मोन, जो प्रोगेस्टेरोन हार्मोन होता है उसका लेवल हाई हो जाता है, तो उसको इनहिबिट कर देता है। एंड इम्प्लांटेशन, जब ओवुलेशन नहीं इनहिबिट हो जाएगा तो आगे इम्प्लांटेशन होगा ही नहीं। तो ये तो हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, डायफ्राम। डायफ्राम क्या कहता है, स्पर्मिटिकल एंड द इंक्रीज फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म विद इन द यूट्रस। मतलब यूट्रस में क्या कर देता है कि जो स्पर्म जो होते हैं उनको फेगोसाइटिक नेचर कॉज करता है डायफ्राम। तो ये नहीं है, क्योंकि ये क्या करता है, उसकी मतलब जो उसमें मीटिंग होती है ऑफ द स्पर्म की होता है एग की, उसको स्टॉप करता है, उसको कंट्रोल करता है, क्लियर। नेक्स्ट IUDS। IUDS क्या है, इंट्रायूटराइन डिवाइस है, ब्लॉक गैमेट्स ट्रांसपोर्ट। तो ये ब्लॉक नहीं करता, IUDS तो क्या कर देता है, उस स्पर्म की जो मोर्टेलिटी होती है उसको सप्रेस कर देता है, उसको डिक्लाइन कर देता है। बट यहाँ पे कह रहा है ब्लॉक, ये इसका काम नहीं होता, यहाँ पे सर्जिकल मेथड का काम होता है बेटा, ब्लॉक गैमेट करना, क्लियर। तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। तो बचता हमारा कौन सा, बी ऑप्शन जो होगा हमारा करेक्ट है, क्लियर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स शोज ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी कौन सा है, वापस मैं बता दूँ, ट्यूबेक्टोमी आपका मतलब ये ए वाला पार्ट हो गया और ये डायग्राम आपका बी वाला पार्ट हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन क्या रहा है, ओनली ए, ओनली बी, या फिर आदर ए और बी, या फिर नन ऑफ दीज। तो अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा 51 वाला था उसमें ही पढ़ा था, ये हमारा ट्यूबेक्टोमी है, तो उसका आंसर हमारा ओनली बी वाला आ जाएगा। अगर यहाँ पे ट्यूबेक्टोमी की जगह वैसेक्टोमी पूछता तो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता, क्लियर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में आता है 54 में क्या कहता है, यहाँ पे आपको मैचिंग करनी है, मैच द कॉलम वन विद द कॉलम सेकंड ऑप्शन फ्रॉम द गिवन कोट्स। यहाँ पे आपको कॉलम वन दे रखा है, इधर साइड में आपको कॉलम सेकंड दे रखा है। फर्स्ट देखिए, फर्स्ट यहाँ पे क्या कहता है, फर्स्ट यहाँ पे आपका नेचुरल। अब जो नेचुरल मेथड है वो आपका क्या है, नेचुरल मेथड आपका क्या है, कॉइटस इंटरप्टस, ये आपका करेक्ट है, फर्स्ट का ए हो गया, ठीक है। नेक्स्ट IUDS। IUDS क्या है, इंट्रायूटराइन डिवाइस। यहाँ पे आप भी क्या कर सकते हो, LNG20, ठीक है, मल्टी लोडेड जो 375 हो सकता है वो भी करेक्ट है। तो ए का फर्स्ट करेक्ट है, बी का हमारा सेकंड करेक्ट है। इसके बाद बी में हमारा और भी क्या आ सकता है, बी में अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारा मल्टी लोडेड भी आ सकता है, अभी मैंने आपको बताया, तो हमारा ये वाला भी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका बी में और देखो और कौन सा आ सकता है, बी में आपका CUT, ये क्या है, कॉपर टी, ठीक है, आपका ये वाला भी ऑप्शन आ सकता है। तो इसमें आपके तीनों ऑप्शन हो सकते हैं, सेकेंड वाला भी हो सकता है बेटा, फोर्थ वाला भी हो सकता है, एंड यहाँ पे आपका नाइन्थ वाला भी हो सकता है, करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या आता है, सी, बैरियर मेथड। बैरियर मेथड किस में आता है, डायफ्राम। डायफ्राम क्या करता है, बैरियर करता है, मतलब मैंने अभी आपको बताया था कि वो मेटिंग को स्टॉप करता है, मतलब स्पर्म को और जो एग है उसको मेटिंग नहीं हो पाती, तभी वो बैरियर की तरह काम करेगा, ठीक है। तो डायफ्राम ये हमारा सी ऑप्शन हो गया, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख देती हूँ, इसमें हमारा ये ए वाला है, क्लियर, और ये वाला हमारा बी है, ठीक है, ये हमारा सी हो गया। अच्छा, इसमें से अपना और कोई ऑप्शन देखो, क्या और कोई हमारा इसमें यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। बैरियर मेथड में हमारा यहाँ पे ये भी तो होता है कि आप ये भी तो बोल सकते हो
देखो इसमें हमारा, अच्छा यहाँ पे ना ये दोनों ऑप्शन मिक्स हो गए हैं, एक सहेली आ गया, ये निरोध हो गया है, ठीक है। निरोध यहाँ पे आ जाएगा, जो कि क्या है, मतलब एक ये कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है जो कि मेल्स के थ्रू ली जाती है, बैरियर मेथड है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट सर्जिकल मेथड, सर्जिकल मेथड में क्या आएगा, डी। डी ऑप्शंस में आप क्या बताओगे, जो सर्जिकल मेथड होगा वो तो स्टरलाइजेशन होगा, स्टरलाइजेशन में आपका क्या हो सकता है, ट्यूबेक्टोमी और वैसेक्टोमी हो सकता है, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे हमारा ये वाला, मैं इसमें यहाँ पे लिख देती हूँ डी, ये स्टरलाइजेशन के लिए है डी, और ये वैसेक्टोमी, और यहाँ पे ट्यूबेक्टोमी होता तो वो भी करेक्ट होता, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है आपका ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, ये ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव जो है वो आ जाएगा ये फाइव वाला, सहेली वाला, ठीक है, ये हो जाएगा आपका ई। अब आप देखिए, फर्स्ट में हमने ए नेचुरल वे में क्या लगाया था, फर्स्ट का फर्स्ट, तो फर्स्ट का फर्स्ट करेक्ट है, फर्स्ट का फर्स्ट ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, मतलब अभी चारों ऑप्शन में से हमारी पॉसिबिलिटी बनती है। सेकेंड देखिए, बी में हमने क्या लगाया, सेकेंड फोर्थ एंड नाइन्थ, ठीक है, सेकेंड फोर्थ एंड नाइन्थ। अब देखो, सेकेंड फोर्थ एंड नाइन्थ हमारे तीनों ऑप्शन इसमें मिल गए, इसमें सेकंड फोर्थ मिल रहा है, इसमें भी सेकंड फोर्थ मिल रहा है, इसमें फोर्थ नाइन्थ मिल रहा है, बट सेकंड भी तो मिल रहा है यहाँ पे, मतलब पॉसिबिलिटीज की ज़्यादा है। नेक्स्ट देखो, सी वाला मैच करो, सी वाले में आपका क्या है, सी वाले में आपका थर्ड ऑप्शन है, तो देखो सी में यहाँ पे थर्ड थर्ड है बट ये सेकंड है, तो आपका ये तो वैसे इनकरेक्ट हो जाएगा, और पहले भी इनकरेक्ट हो गया, क्लियर। तो सी का थर्ड हो गया और फोर्थ भी आ गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या कहते हैं, डी वाले में देखो, डी वाले में हमारा कौन सा ऑप्शन था, डी वाले में हमारा करेक्ट था यहाँ पे ये, डी में एक तो हमारा ये था 5, 6, 7 वाला करेक्ट था और 8 वाला, है ना, तो इसमें हमें यहाँ पे आ जाएगा हमारा 7 and 8, क्लियर। और ई वाले में हमारे यहाँ पे आ जाएगा हमारा लास्ट में जो फिफ्थ वाला पॉइंट है ये, क्लियर। तो इसकी मैचिंग हमने इस तरीके से कर दी। ज़रूरी नहीं है आपको वन, मतलब एक यहाँ पे एक मैचिंग दे रखी है, एक दे रखा है तो आपको एक ही कॉलम सेकंड में एक ही आंसर दे, मे भी आपको दो भी दे सकता है, मे भी आपको तीन भी दे सकता है, ठीक है, बट वो आपको ध्यान से देखना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो इसमें हमारा कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन जो होगा वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रासेप्टिव मैथड्स हैज़ पुअर रिवर्सिबिलिटी, मतलब इसमें कौन सा मैथड ऐसा है कॉन्ट्रासेप्टिव जिसकी पुअर रिवर्सिबिलिटी होती है। अब देखो ये क्या है, ये तो कॉपर टी है, ठीक है, ये क्या है, यहाँ पे मैंने आपको कुछ बताया था, ये माचस्टिक की तरह, मैंने लास्ट वाले अपने इसमें डिस्कस किया था, जो कि कैसी होती है, ये हमारी कैसी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो कि हमारी 6 इन नंबर्स में होती है, माचस्टिक की तरह होती है, ठीक है, ये भी हमारी स्किन में इंसर्ट की जाती है, क्लियर। नेक्स्ट ये क्या होता है, ये आपका वही एक स्टरलाइजेशन मेथड आ गया, कौन सा मेथड आ गया, ये ट्यूबेक्टोमी या वैसेक्टोमी, आपको पता है ये मेल रिप्रोडक्टिव वाला पार्ट है, तो ये क्या बन रहा है, आपका वास डिफरेंस जा रहा है, ये क्या जा रहा है, वास डिफरेंस, क्लियर। और ये क्या है, ये तो कॉन्डोम है। अब बताओ यहाँ पे रिवर्सिबिलिटी तो हो सकती है, इसमें भी रिवर्सिबिलिटी हो सकती है, इसमें भी हो सकती है, बट जो सी वाला ऑप्शन है यहाँ पे, यहाँ पे अगर वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी दोनों ऑप्शन आते हैं तो दोनों ऑप्शन हमारे करेक्ट हो जाते हैं, वैसे हमारे सिंगल एक दे रखा है, तो आप बताओगे कि जो स्टरलाइजेशन मेथड होता है उसकी रिवर्सिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा पुअर होती है, क्लियर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या आता है, नेक्स्ट में आता है आपका यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग द सर्जिकल मेथड्स ऑफ द कॉन्ट्रासेप्शन, मतलब सर्जिकल मेथड जो कॉन्ट्रासेप्शन है उसके लिए कौन सा स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। तो देखिए फर्स्ट हमारा क्या कहते हैं, दीज आर जनरली एडवाइज टू मेल एंड फीमेल पार्टनर एज अ टर्मिनल मेथड टू प्रिवेंट द एनी मोर प्रेगनेंसी, ठीक है, करेक्ट है कि मेल और फीमेल को एडवाइस दी जाती है कि मोर प्रेगनेंसी कॉज ना हो, तो मेरा टर्मिनल मेथड्स है यहाँ पे, क्लियर है। नेक्स्ट मतलब देख सकते हैं आप हमारा और भी तुम्हारे बहुत सारे मेथड्स होते हैं, इसमें और देखते हैं क्या आएगा। सर्जिकल प्रोसीजर इज अ मेल इज कॉल्ड ट्यूबेक्टोमी, सर्जिकल मेथड आपका ट्यूबेक्टोमी होगा, नो आपका क्या होगा, वैसेक्टोमी, तो ये तो इनकरेक्ट हो गया। दैट इज अ फीमेल वैसेक्टोमी, तो दोनों में यहाँ पे इंटरचेंज कर दिया, यहाँ पे आता वैसेक्टोमी, यहाँ पे आता ट्यूबेक्टोमी, यहाँ पे आता हमारा वैसेक्टोमी और यहाँ पे आता आपका ट्यूबेक्टोमी, क्लियर, तब आपका जाके करेक्ट होता, तो ये कैसा हो गया, इनकरेक्ट हो गया, ये तो करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, रिवर्सिबिलिटी इज इजीली पॉसिबल, इसकी रिवर्सिबिलिटी पॉसिबल है, यहाँ पे अगर सर्जिकल करोगे, अभी हम पढ़कर आए सर्जिकल मेथड की रिवर्सिबिलिटी बहुत ही पुअर होती है, तो इसकी ईजिली से पॉसिबल नहीं हो पाएगी, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखिए, दे ब्लॉक गैमेट ट्रांसपोर्ट एंड देयर बाय द प्रिवेंट कॉन्सेप्शंस, मतलब यहाँ पे कॉन्सेप्शंस को प्रिवेंट करते हैं, एक गैमेट को क्या कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, ये भी हमारा क्लियर है, बस आपको पॉइंट टू पॉइंट आपको बात देखनी है, ठीक है। तो फर्स्ट एंड फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, सेकंड थर्ड नहीं आएगा, सेकंड थर्ड अगेंस्ट में नहीं आएगा और सेकंड भी नहीं आएगा, कौन सा बचता है हमारा, फर्स्ट एंड फोर्थ बचता है, क्लियर। तो 57 का हमारा सी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या कहते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बर्थ कंट्रोल मेजर्स कैन बी कंसीडर्ड एज द सेफेस्ट, मतलब कौन सा इसमें मेथड ऐसा है जो सबसे ज़्यादा सेफेस्ट है। द रिदम मेथड्स, जो रिदमिकली जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसके थ्रू जो हम कॉन्ट्रासेप्शन जो मतलब यूज़ कर सकते हैं। द यूज़ ऑफ फिजिकल बैरियर, कुछ फिजिकल बैरियर हैं वो आपका ज़्यादा सेफेस्ट मेथड है बर्थ कंट्रोल के लिए, या कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ज़्यादा हैं, या फिर स्टरलाइजेशन टेक्निक है। तो बेटा इसमें हमारा क्या है, स्टरलाइजेशन टेक्निक सबसे बेस्ट मेथड है और सेफेस्ट मेथड है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए,
नेक्स्ट में क्या आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड, मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड है मैथड ऑफ द कॉन्ट्रासेप्शन इन इंडिया एट प्रेजेंट। एट टाइम पे, इस टाइम पे सबसे ज़्यादा जो एक्सेप्टेड मैथड है वो सर्विकल कैप, ट्यूबिकटोमी, डायफ्राम या IUDS, इंट्रायूट्राइन डिवाइस। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो बेस्ट मेथड है वो आपका क्या है, इंट्रायूट्राइन डिवाइस। क्लियर, 58 का डी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में आप एक पिक्चर्स देख रहे हैं, इस पिक्चर्स में आप देखो यहाँ पे क्या क्या पूछ रहा है इसमें। द अकॉम्पेनिंग्स डायग्राम शोज द यूट्राइन ट्यूब्स ऑफ फोर वुमेन PQRS। क्लियर, इन विच टू वुमेन्स इज फर्टिलाइजेशन इम्पॉसिबल एट प्रेजेंट। मतलब यहाँ पे इसने फीमेल प्रोडक्शन के डायग्राम दिखा दिए, इसमें यहाँ पे बता रहा है एक पी कंडीशन है, एक क्यू कंडीशन है, एक आर कंडीशन, एक एस कंडीशन है। तो यहाँ पे इसमें क्या बताना है कि फर्टिलाइजेशन जो होगा वो इम्पॉसिबल यहाँ पे किस वाली फीमेल की, जो यहाँ पे रिप्रोडक्शन का मतलब ये जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो डायग्राम है किस में ज़्यादा हो सकता है। तो आप देखिए, पहले यहाँ पे कह रहा है पार्शियल ब्लॉकेज, आप देख रहे हो यहाँ पे कुछ कम मतलब यहाँ पे एक पैसेज का ऐसा रास्ता छोड़ा हुआ है ना, तो यहाँ पे क्या है पार्शियल ब्लॉकेज किया हुआ है, तो ये तो करेक्ट होगा नहीं। नेक्स्ट यहाँ पे कंप्लीट ब्लॉकेज तो किया है, अच्छा आर वाले में देखो, आर वाले में क्या कह रहा है कंप्लीट ब्लॉकेज, लेकिन आपको एक डिफरेंस दिख रहा है यहाँ पे बेटा, हमने ये भी पढ़ा है कि ओवरी जो होती है वो हमारी बाय पेयर में होती है, और इसका जो फैलोपियन ट्यूब का है ये भी इसका पैसेज दो पैसेज है, मतलब एक लेफ्ट पैसेज और एक आपका यहाँ पे राइट पैसेज, ठीक है दो पैसेज है इस तरीके से। तो आप देख रहे हो यहाँ पे केवल एक इसी साइड को ब्लॉक किया गया है, अदर साइड तो इसका फ्री है। तो हो सकता है वो यहाँ से, अगर वन मंथ हमने इस अपना जब लेक्चर करा था तो हमने उसमें ये भी पढ़ा था कि सपोज अगर हमें जैसे अभी अक्टूबर है, तो अक्टूबर के टाइम पे अगर यहाँ से अगर एग प्रोड्यूस होता है तो हो सकता है नवंबर में यहाँ से प्रोड्यूस हो। तो आप कैसे कह सकते हो कि यहाँ पे ये स्टरलाइजेशन मेथड है, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम तो यहाँ से आ जाएगा, तो यहाँ से फर्टिलाइजेशन के चांसेस हो जाएंगे, तो ये तो होगा नहीं करेक्ट, ये भी इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट, फर्टिलाइजेशन इम्पॉसिबल एट प्रेजेंट, यहाँ पे तो हो सकता है, यहाँ पे पार्शली है तो यहाँ से भी पैसेज है, यहाँ पे भी बचता है रास्ता तो यहाँ से भी जा सकता है, बट कंप्लीट ब्लॉकेज, अब आप देख रहे हो दोनों साइड में क्या कर दिया, ब्लॉकेज कर दिया, तो दोनों साइड में कोई भी मतलब उसको वे नहीं है, कोई भी उसमें थोड़ा सा स्पेस भी नहीं है ताकि वहाँ से वो मूव आउट हो सके, ठीक है। तो एक तो आपका इसमें आता है आर, और आप देख रहे हो दूसरे यहाँ पे आपको गैप दिख रहा है, इन दोनों के बीच में गैप दिख रहा है ना, तो यहाँ पे जब इसको टाइट कर दिया है, कट कर दिया है, तो यहाँ पे भी बिल्कुल वो नहीं है, बिल्कुल पहले स्पेस ही नहीं है, तो ताकि वो वन प्लेस टू अनदर प्लेस से मूव कर सके, जब मीटिंग ही नहीं हो पाएगी तो फर्टिलाइजेशन कॉज नहीं होगा, और फर्टिलाइजेशन इम्पॉसिबल ही पूछ रहा है यहाँ पे, तो कौन सा हो जाएगा इसमें, आर और एस वाला करेक्ट, आर एंड एस करेक्ट हो जाएगा हमारा। क्लियर, पी क्यू क्यू नहीं होंगे, आपको समझ में आ गया, तो 59 का हमारा सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फुल प्रूफ मैथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, कॉन्ट्रासेप्शन का जो सबसे फुल प्रूफ मैथड है वो कौन सा है, इम्प्लांटेशन, लैक्टेशनल एमोनेरिया है, या कॉन्डोम्स है, या स्टरलाइजेशन। तो स्टरलाइजेशन सबसे मतलब बेस्ट मैथड इसका यहाँ पे फुल प्रूफ देता है कॉन्ट्रासेप्शन का, ठीक है। नेक्स्ट 61 में क्या आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द वैसेक्टोमी, वैसेक्टोमी के लिए सबसे करेक्ट पॉइंट क्या है। तो देखो, इट प्रिवेंट द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म इन द टेस्टीज, मतलब वैसेक्टोमी स्पर्म के प्रोडक्शन में इसको प्रिवेंट कर देती है, तो ऐसा तो इसमें यहाँ पे नहीं है। इट प्रिवेंट द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म से मतलब नहीं है वहाँ पे, उसके मतलब है उसके मूवमेंट से, कि जब वो वन प्लेस टू अनदर प्लेस से मूव करता है तो उसको स्टॉप कर देती है। तो इट प्रिवेंट द मूवमेंट ऑफ स्पर्म इनटू द यूरेथ्रा, यूरेथ्रा में उसे जाने ही नहीं देती, क्योंकि वैसे यहाँ पे क्या था, वास डिफरेंस एक पैसेज है जो कि वन प्लेस टू अनदर प्लेस में उसको बाकी आके लेके जा रहा है यूरेथ्रा के थ्रू, और जो पेनिस वाला पैसेज है उसके थ्रू वहाँ से उसको एक्सक्री आउट कर रहा है इनटू द वेजाइनल वाले रीजन में। क्लियर, तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। इट प्रिवेंट अ मैन फ्रॉम हैविंग एन इरेक्शन, यहाँ पे मैन मतलब हैविंग एन इरेक्शन, तो यहाँ पे ये भी कोई पॉइंट नहीं बैठता। क्लियर, तो 66 का हमारा सी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या आता है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ईच विद वन और टू ब्लैंक्स, यहाँ पे आपको मतलब ब्लैंकिंग यहाँ पे फिल द ब्लैंक्स है उसको आपको फिल करना है। वो कह रहा है यहाँ पे लिप्स लूप्स इज अ, लिप्स लूप्स क्या है, ये कॉपर रिलीजिंग नहीं है तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। बैरियर यहाँ पे बी का थर्ड बोल रहा है, तो इसमें हमारा क्या है, इसमें अभी देखेंगे, तो फर्स्ट का तो हमारा यहाँ पे नहीं है, ठीक है, और यहाँ पे ये कॉपर रिलीजिंग तो डी वाला भी नहीं है। तो सी में देखो नॉन मेडिकेटेड, ये हमारा करेक्ट है कि जो लिप्स लूप है इज अ क्या है, नॉन मेडिकेटेड। आगे देखिए, IUD ऑन द इंट्रायूट्राइन डिवाइस वाइल मल्टी लोडेड 375 इज अ, यहाँ पे ये क्या होता है, ये आपका यहाँ पे आगे बोल सकते हो कि इसमें आएगा क्या, कॉपर रिलीजिंग, कि कॉपर रिलीजिंग है, अभी हमने पढ़ा था CUT है, ठीक है, आगे IUD, ठीक है। नेक्स्ट, सर्जिकल मेथड्स ऑफ द कॉन्ट्रासेप्शन आर ऑल्सो कॉल्ड एज, अब जो जो सर्जिकल मेथड्स होता है वो तो इसमें क्या आता है, वो तो ट्यूबेक्टोमी या वैसेक्टोमी में आएगा, तो अब इसमें तो हमारा ऑप्शन करेक्ट बैठा नहीं, ठीक है, और फर्स्ट में भी हमारे यहाँ पे ये वाला करेक्ट नहीं बैठेगा।
नेक्स्ट देखिए हाई MMR, यहाँ पे MMR क्या है, मैटरनलिटी, यहाँ पे मैटरनलिटी हो जाएगा, यहाँ पे मॉर्टलिटी रेट, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्या जाएगा, इन्फेंट मॉर्टलिटी रेट और यहाँ पे मैटरनल मॉर्टलिटी रेट। प्ले अ इनसिग्निफिकेंट रोल इन आ, किस में सिग्निफिकेंट रोल करते हैं, तो उसको क्या कर देते हैं यहाँ पे, एक डिक्रीज कर देते हैं एज अ ह्यूमन की पॉपुलेशंस में। तो यहाँ पे आ जाएगा क्या कर देंगे, डिक्रीज, तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। पहले नॉन मेडिकेटेड हो जाएगा, कॉपर रिलीजिंग हो जाएंगे और क्या करेगा वो, एक डिक्रीजिंग कर देगा ह्यूमन की पॉपुलेशंस को, क्लियर। तो 1 to 4th हमने अबव स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग की, जो भी हमारा यहाँ पे बी के ऑप्शन नहीं बैठा, एक तो हमारा ए के अकॉर्डिंग बैठा और कुछ हमारा यहाँ पे सी के अकॉर्डिंग बैठा, तो वो हमारा जो ऑप्शन होगा वो हमारा सी ऑप्शन जो होगा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे बैरियर नहीं होगा और कभी भी वो इंक्रीजिंग नहीं करता, जब यहाँ पे IMR और MMR जो होगा वो क्या करेगा, वो डिक्रीजिंग करेगा इस किसकी, ह्यूमन पॉपुलेशन। जब हमने अपना टॉपिक डिस्कस किया था कि टाइम टू टाइम अब क्या हो रहा है, ह्यूमन की पॉपुलेशन जो होती है इंक्रीज होती जा रही है, ठीक है। तो इनका ये जो डेथ रेट है या मॉर्टलिटी रेट है, MD से मैंने आपको बताया था कि MD से आप याद रखना, M का मतलब मॉर्टलिटी और एक नेटलिटी पढ़ा था, नेटलिटी का मतलब हो गया हमारे यहाँ पे बर्थ रेट, ठीक है। तो M का मतलब मॉर्टलिटी रेट, तो ये डेथ रेट हो गया, तो डेथ रेट कैसा हो जाएगा हमारा यहाँ पे, डिक्लाइन, डिक्रीज हो जाएगा, क्लियर। तो सी ऑप्शन जो होगा वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या आता है, सेलेक्ट द ऑप्शन विच इज विच करेक्टली फिल अप द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, में भी आपको कुछ फिल्म द ब्लैंक्स आपको करेक्ट फिल करने हैं। डिस्ट्रक्शन ऑफ एम्ब्रियो और फीटस इन द यूट्रस इज कॉल्ड, मतलब जैसे ही फीटस में डिटेक्ट कर लेते हैं कि फीमेल है तो उसको डिस्ट्रक्ट कर देते हैं उस एम्ब्रियो को, तो वो क्या होता है, आपको फीमेल फीटीसाइड आपने पढ़ा था, तो फीटीसाइड्स, फीटीसाइड, फीटीसाइड्स और मैट्रीसाइड, मैट्रीसाइड नहीं होगा, फीटी फीटीसाइड से हमारा करेक्ट है, बट इसमें से ऑप्शन देखते हैं कौन सा करेक्ट होगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लीगलाइज MTP, MTP क्या था, मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी इन ईयर, किस ईयर में यहाँ पे इसको लीगलाइज किया था, 1971 में किया था, तो 61 ऑप्शंस नहीं आएगा, 65 नहीं आएगा, 1971 ऑप्शंस आएगा। नेक्स्ट देखिए, नेचुरल फैमिली प्लानिंग मेथड इज आल्सो कॉल्ड, मतलब नेचुरल वे में अगर फैमिली प्लानिंग की जाए तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम रिदम मेथड, क्या बोलते हैं, रिदमिकली मेथड्स, क्लियर। नेक्स्ट, डैश इज अ मेथड इन विच द मेल पार्टनर विदड्रॉ हिज पेनिस फ्रॉम द वजाइना जस्ट बिफोर द इजेकुलेशन, उसको क्या कहते हैं, कॉइटस इंटरप्टस, ठीक है, क्या कहते हैं उसको, कॉइटस इंटरप्टस, तो ये भी हमारा पॉइंट करेक्ट है। नेक्स्ट, इज अ कॉपर रिलीजिंग एंड इज अ हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूट्राइन डिवाइस, तो वो आपका क्या है, मल्टीलोडेड 375 है और LNG 20 है, तो ये भी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो हमारे इसमें कौन सा होगा, बी ऑप्शन जो होगा वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में 64 में क्या कहते हैं, Which of the following statement is incorrect regarding the medical terminations of pregnancy? MTP के लिए कौन सा हमारा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, These help in a getting rid to unwanted pregnancy, जो भी unwanted pregnancy होती है उसे get rid करते हैं, क्लियर है, ये तो करेक्ट है। These help in the aborting and the pregnancy which may be a harmful to either mother or fetus or both, मतलब मदर के लिए या फीटस के लिए, दोनों के लिए अगर harmful है तो MTP कराना बेस्ट है, क्लियर है, मतलब करेक्ट है ये हमारा। दीज कॉन्ट्रीब्यूट इन डिक्रीजिंग द ह्यूमन पॉपुलेशन, अब जब ह्यूमन पॉपुलेशन जब हाई होती जा रही है तो MTP को क्या कर सकते हैं, MTP इसके लिए बेस्ट मेथड है, लेकिन वो भी एक मतलब आप बोल सकते हो कि एक टाइम से पहले, ठीक है। और ये वो कौन सा टाइम होता है, मतलब कौन सा टाइम बेस्ट है MTP के लिए, ऐसा फर्स्ट ट्राइमेस्टर, कौन सा है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर इज द बेस्ट टाइम है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, ठीक है, एक सेकेंड, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, क्लियर, ये बेस्ट मेथड है। अगर यहाँ पे अगर इसके बाद कराया जाता है, मतलब ये दोनों के लिए सेफ है, मदर के लिए भी और फीटस के लिए भी, मदर और फीटस दोनों के लिए यहाँ पे सेफ है ये, अगर उसके बाद कराया जाता है तो मदर और फीटस के लिए दोनों के लिए हार्मफुल है, तो यहाँ पे ये भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो बेटा हमारा इसमें डी ऑप्शन बचता है, नन ऑफ दीज, क्लियर, इसमें हमारा कोई ऑप्शन इनकरेक्ट नहीं था। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग द टू स्टेटमेंट आर करेक्ट, यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट ऐसी हैं जो हमारे लिए करेक्ट हैं। फर्स्ट देखिए, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर इज जनरली सेफ, अभी मैंने आपको बताया, तो ये तो हमारी करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, जनरली चांसेस ऑफ कंसेप्शन आर निल अनटिल मदर ब्रेस्ट फीडिंग द इन्फेंट अप टू द 2 ईयर्स, मतलब अगर बेबी, अगर मतलब जो बेबी है, ठीक है, या फीटस अगर वो आगे पूरा, मतलब इन्फेंट, इन्फेंट को आप आगे बेबी भी बोल सकते हो, इन्फेंट तो वैसे तो शिशु हो जाते हैं ना, सो बेबी में काउंट हो जाते हैं, तो जो मदर की जो मतलब जो ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं, तो क्या 2 ईयर तक, अप टू 2 ईयर्स तक क्या कोई मतलब चांसेस नहीं होता, नील है अंडर द मतलब मदर की प्रेगनेंसी के लिए, आप यहाँ पे आप बोलोगे कि यहाँ पे जो इसमें चांस आता है तो वो 4 to only 5 month तक आता है, ठीक है, 4 to 5 month तक ऐसा चांसेस हो सकता है कि जिसमें लैक्टेशनल, जिसे बोलते हैं लैक्टेशनल पीरियड, जिसमें आप चांसेस होते हैं प्रेगनेंसी कॉज नहीं होने के, बट जैसे ही 5 to 6 month आगे क्रॉस होते हैं तो वहाँ पे फिर आगे सेम जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल जो चलती है वही चलना स्टार्ट हो जाती है, तो ये ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट,
इंट्रायूट्राइन डिवाइस लाइक कॉपर टी आर द इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव, ये इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव है तो हमारा ये भी करेक्ट है. नेक्स्ट, कॉन्ट्रासेप्शन पिल मे बी आर टेकन अप वंस वीक आफ्टर क्वार्टर्स टू प्रिवेंट द कॉन्सेप्शन. क्या कह रहे हैं, कॉन्सेप्शन को प्रिवेंट करने के लिए वन वीक बाद ये जो है हमारी ओरल पिल्स या कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ये उसको ले ली जाए. तो वो उसको कैसे कर सकती है, वो मतलब आप या तो हमने ही पढ़ा था कुछ हमारी वीकलीज होती हैं या कुछ हमने पढ़ा था ये कैसे ली जाती हैं. वीकलीज इन द सेंस जैसे 21 डेज तक ये कॉन्टिन्यूस ली जाती हैं, ठीक है. उसके बाद ये प्रोग्रेस्टेरोन के लेवल को बॉडी में हाई करती हैं जिससे ओवुलेशन कॉज नहीं होता. और हमने एक यहाँ पे भी पढ़ा था जैसे आफ्टर द क्वार्टर्स होने के बाद विद इन अ मैंने आपको बताया था 72 आवर्स, जो 72 आवर्स करके जो मेडिसिन आती है ठीक है उसको लेते हैं. तो यहाँ पे 72 आवर्स के बाद उसको मतलब 72 आवर्स पहले लेने से आपको क्या कर सकते हो, आप जो प्रेगनेंसी को उसको स्टॉप कर सकते हो. तो यहाँ पे ये वाला हमारा पॉइंट जो है वो इनकरेक्ट है. तो करेक्ट हमारा कौन सा है, फर्स्ट एंड थर्ड. फर्स्ट और थर्ड आपका ए ऑप्शन बैठता है, तो ये वाला आपका ऑप्शन करेक्ट है. क्लियर, बाकी के आप सारे बी ऑप्शन बी सी डी ए सब आपके गलत हैं. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या कहते हैं, रेड द गिवन स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है. स्टेटमेंट वन, एमटीपी इज कंसिडर्ड द रिलेटिवली सेफ ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी. एमटीपी बेस्ट है, करेक्ट है. फीटस बिकम इन इंटीमेटली एसोसिएटेड विद द मैटरनल टिश्यूज आफ्टर द फर्स्ट ट्राइमेस्टर. मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर से जब स्टार्टिंग के 3 महीने होते हैं तो उसमें मदर के टिश्यू से जो फीटस होता है वो अटैच्ड होता है, एसोसिएटेड होता है. तो ये भी ऑप्शन होगा आपका करेक्ट हो जाएगा. तो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, फर्स्ट एंड सेकेंड जो होंगे स्टेटमेंट आर करेक्ट, ठीक है. तो स्टेटमेंट करेक्ट, स्टेटमेंट सेकेंड आर इनकरेक्ट, ये भी नहीं होगा. स्टेटमेंट फर्स्ट इनकरेक्ट नहीं होगा, दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट नहीं होंगे, दोनों ही करेक्ट हो जाएंगे. तो 66 का हमारा ए ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा. क्लियर, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या कहते हैं. नेक्स्ट में यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट मैच ऑफ द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस विद इट्स पैथोजेंस. मतलब कौन से ऐसे पैथोजेंस हैं जिसके थ्रू एसटीडीएस जो ट्रांसफर हो जाती है, कौन सा है. सिफिलिस, ट्रेपियोनीमा, पैलिडियम. तो बेटा यहाँ पे इसमें यही है, तो कुछ पॉइंट्स इसमें यहाँ पे तो ये थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन है, ठीक है. तो आपको ध्यान रखना है कि सिफिलिस, ट्रेपियोनीमा, पैलिडियम से ही एसटीडीएस कॉज होती है. गोनोरिया, गोनोरिया से एंटामीबा हिस्टोलिका फॉर्म नहीं होती है, हम आगे पढ़ेंगे किससे कॉज होती है. और यहाँ पे यूरिथ्रेटिस, ये बैसिलस, ये बैक्टीरिया को हो गया. एंथ्रेसिस और बैसिलस ब्रेविस, ये इसे यहाँ पे ये इसकी डिसीजेज नहीं है, ठीक है. बाकी ये वाली तो हमारी सारी एसटीडीएस है, बट यहाँ पे ये इसके पैथोजेंस नहीं है जिसके थ्रू कॉज होती है. आप बोलोगे सिफिलिस जो होगी वो ट्रिपेनोनीमा पैलिडियम से कॉज होती है, ये करेक्ट है. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या आता है. द सेक्शुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन दैट कैन अफेक्ट बोथ मेल एंड फीमेल जेनाइटल्स एंड मे डैमेज द आई ऑफ बेबीज. मतलब जब दोनों में डिसीज कॉज हो जाती है तो वो क्या करती है, बेबी की जो आईज होती हैं उसमें डैमेज हो जाती है. बॉर्न ऑफ इन्फेक्टेड मदर्सेज, जो इन्फेक्टेड मदर से बॉर्न हुई है. तो एड्स होता है, सिफिलिस होता है, गोनेरिया होता है, हेपेटाइटिस. तो वो डिसीज़ कौन सी होती है, एज अ गोनेरिया, ठीक है, जिससे जो बेबी होता है उसकी आईज डैमेज हो जाती हैं. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या आता है आपका 69. अ सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिसीज सिम्टोमाइज बाय द डेवलपमेंट ऑफ चांसेस ऑन द जेनाइटल्स रीजन. मतलब जो चांसेस जो होते हैं जेनाइटल रीजन्स में इज कॉज बाय द इन्फेक्शन ऑफ. मतलब यहाँ पे कौन से यहाँ पे इसमें होते हैं इन्फेक्शन के, किस में चांसेज होते हैं. तो यहाँ पे आप बताओगे ट्रिपेनोनीमा पैलिडियम, अभी हमने पढ़ा था सिफिलिस के थ्रू, ठीक है. नेजीरिया, गोनेरिया, ये भी नहीं होगा. ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, ये हमारा एड्स हो गया. हेपेटाइटिस बी वायरस, तो ये यहाँ पे हमारे बी सी डी नहीं होंगे, इसमें हमारा ए ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा. ट्रिपोनीमा पैलिडियम जो कि हमारा सिफिलिस के थ्रू कॉज हो रहा है, ठीक है. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द एच आई वी. हेपेटाइटिस बी, गोनेरिया एंड ट्राइकोमोनियसिस. ट्राइकोमोनियसिस के लिए यहाँ पे हमारे कौन से ऑप्शन होंगे वो करेक्ट होंगे. ट्राइकोमोनियसिस इज एन द एसटीडी वेयर एज द अदर आर नॉट. मतलब वो कह रहा है सिर्फ ट्राइकोमोनियसिस एक एसटीडी है, बाकी नहीं है, तो ऐसा नहीं है. गोनेरिया इज अ वायरल डिसीज, गोनेरिया वायरल डिसीज है, एक एसटीडियल डिसीज है. वेयर एज बाकी अदर बैक्टीरियल डिसीज है, ये भी नहीं है. एच आई वी इज अ पैथोजेंस, वेयर एज द अदर आर डिसीजेज. मतलब एच आई वी एक पैथोजेंस के थ्रू है, बाकी अदर आर डिसीजेज हैं, ठीक है. हेपेटाइटिस बी इज इरेडिकेटेड कम्प्लीटली वेयर एज अदर्स आर नॉट. मतलब केवल कह रहा है हेपेटाइटिस का जो बी है, हेपेटाइटिस बी जो है वो इरेडिकेटेड है, बाकी की कम्प्लीटली अदर बाकी की अदर्स आर नॉट है, ठीक है. तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन होगा कि एच आई वी तो एक पैथोजेंस है जबकि अदर्स आर कैसी हैं, सारी डिसीजेज हैं जो कि एसटीडी के फॉर्म में आती हैं. क्लियर, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट 71 में आप हमारा क्या आता है. गिवन बिलो द थ्री स्टेटमेंट ए टू सी ईच विद द
वन और टू ब्लैंक्स, सेलेक्ट द ऑप्शंस विच करेक्टली फिल्स अप द ब्लैंक्स इन एनी टू स्टेटमेंट. आपके यहाँ पे स्टेटमेंट दे रखे हैं, आपको उसमें करेक्ट करना है. डिसीज और इन्फेक्शियस विच आर ट्रांसमिटेड थ्रू द STD, मतलब सेक्शुअल इंटरकोर्स के थ्रू जो ट्रांसफर होती है, एंड कलेक्टिवली कॉल्ड, उनको क्या बोलते हैं, वेनेरियल. क्या बोलते हैं यहाँ पे, वेनेरियल. ठीक है, नेक्स्ट वेनेरियल डिसीज हो गया. जेनाइटल हर्ब्स इज अ डिसीज. जेनाइटल हर्ब कैसी डिसीज होती है, ये होती है हमारी, क्या सी होती है, इनक्यूरेबल. जेनाइटल हर्ब्स कैसी है, इनक्यूरेबल डिसीज है. स्टलाइजेशन इन मेल, अगर स्टलाइजेशन की बात करते हैं किसमें, मेल में, तो वो कौन सा मेथड हो जाता है हमारा, ट्यूबेक्टोमी, सॉरी वेसिक्टोमी. और वाइल जब फीमेल में होता है तो हमारा ट्यूबेक्टोमी हो जाता है. क्लियर, तो हमारे इसमें ऑप्शन फर्स्ट के अकॉर्डिंग अगर ए और बी देखें तो ये तो हमारा इसमें करेक्ट है. और इसमें अगर हम सी में देखें, सी के लिए हमारा कौन सा करेक्ट है, यहाँ पे ट्यूबेक्टोमी, तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि स्टलाइजेशन मेल में तो वेसेक्टोमी होगा, और वाइल फीमेल में क्या होगा, ट्यूबेक्टोमी, तो ये तो हमारा करेक्ट होगा नहीं. सेम एज इसमें दे रखा है, तो ये भी हमारा इनकरेक्ट है. तो हमारे सिर्फ ए वाला ऑप्शन बैठता है वेनेरियल डिसीज के लिए, और इनक्यूरेबल की जेनेटल जो हर्ब्स होती है वो इनक्यूरेबल डिसीज है. क्लियर, तो ए ऑप्शन जो होगा हमारा करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में आपको क्या करना है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द ऑप्शन स्टेटिंग विच वंस आर द ट्रू एंड विच वंस आर द फॉल्स. इसमें कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है. तो देखिए क्या कहते हैं, देयर आर मेनी साइड इफेक्ट्स ऑफ द ट्यूबेक्टोमी एंड द वेसेक्टोमी. ऐसा कुछ नहीं है, वेसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी के कोई साइड इफेक्ट्स नहीं कॉज होते, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा फॉल्स. क्लियर, नेक्स्ट पर्पस ऑफ द ट्यूबेक्टोमी इज टू प्रिवेंट द एग फॉर्मेशन. मतलब क्या, एग फॉर्मेशन का पर्पस होता है कि एग फॉर्म ही ना हो, ट्यूबेक्टोमी नहीं, क्या फॉर्म होता है कि वो पैसेज, मतलब जो उसके पैसेज को ब्लॉक कर देता है, टाइट कर देता है, कट कर देता है, ताकि वो पास ना हो पाए वन प्लेस टू अनदर प्लेस. तो ये भी कैसा हो जाएगा बेटा, फॉल्स. नेक्स्ट देखिए, कॉन्ट्रासेप्टिव ओरल पिल्स हेल्प इन द बर्थ कंट्रोल बाय द प्रिवेंटिंग ओवुलेशंस. करेक्ट है, प्रिवेंट करती है ओवुलेशंस को, तो ये तो ट्रू आ जाएगा. नेक्स्ट, जेनाइटल रॉड्स इज अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज कॉज बाय द हर्प वायरस. जेनाइटल डिसीज जो होती है, जेनाइटल रॉड जो होती है, वो हमारी हर्प वायरस के थ्रू होती है. यहाँ पे ये हमारा क्या हो जाएगा, जस्ट अ मिनट, ये हमारा यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा. क्लियर, नेक्स्ट, इन इंडिया देयर इज अ रैपिड डिक्लाइन इन द इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट और MMR. अभी हमने पढ़ा था कि MMR और इन्फेंट, मतलब मैटरनलिटी, मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट और IMR, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, क्या हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है. तो ये हमारा ट्रू हो जाएगा. ठीक है, आप मैच करिए, फर्स्ट का फॉल्स, तो ये तो होगा नहीं, यहाँ पे फॉल्स हो गया, फॉल्स हो गया सेकंड का, ये थर्ड का ट्रू आएगा, तो ये वाला भी ऑप्शन नहीं होगा. ठीक है, ट्रू ट्रू ये भी नहीं होगा, डी फर्स्ट, फॉल्स, फॉल्स, ट्रू, फॉल्स और ट्रू, तो हमारा डी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा. क्लियर, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में आपको क्या करनी है, मैचिंग करनी है. इसमें आप मैचिंग कैसे करेंगे, मैच कॉलम वन एंड कॉलम सेकंड से आपको मैचिंग करनी है. मैचिंग कॉलम वन दे रखा है, तो पहले आपका दे रखा है सिफिलिस. अब सिफिलिस अभी हमने पढ़ा था ट्रैपोनीमा पैलिडियम, तो फर्स्ट का क्या हो जाएगा बेटा, थ्री हो जाएगा. क्लियर, नेक्स्ट देखिए, कैनक्रॉइड्स, ये जो कैनक्रॉइड्स है, ये डिसीज किसके थ्रू होगी, ये हो जाएगी आपकी हेम्योफिलस ड्यूरेसियाई. ठीक है, हेम्योफिलस ड्यूरेसियाई के थ्रू हो जाएगी. नेक्स्ट देखिए, एड्स, एस्ट क्या हो जाएगी, एड्स HIV के थ्रू हो जाएगी. जेनाइटल रॉड्स किसके थ्रू हो जाएगी, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, किसके थ्रू हो जाएगी, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस. तो ए का थ्री, ए का थ्री बैठा, बी का हमारा सेकंड, और सी का फोर्थ, एंड डी का वन, तो हमारा ए ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा. क्लियर, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट 74, गिवन बिलो इज अ लिस्ट ऑफ फ्यू सेक्शुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस. आपको बताना है इसमें, आइडेंटिफाई द डिसीज कॉज बाय द बैक्टीरिया अमंग दीज. मतलब यहाँ पे कौन कौन सी डिसीज उसके थ्रू हो रही है वो आपको बताना है. ठीक है, फर्स्ट गोनेरिया, गोनेरिया एक बैक्टीरियल डिसीज है. ठीक है, करेक्ट है. ठीक है, और ग्रियाडिस, ग्रियाडिस आपकी बैक्टीरियल नहीं है, ये ट्रिपैनोसोमा जो ग्रियाडिस एक होता है आपका, जो प्रोटोजोआ के थ्रू होता है. ठीक है, तो ये आपका बैक्टीरियल नहीं है. नेक्स्ट ट्राइकोमोनेसिस, ये भी आपका यहाँ पे ट्राइकोमोनेसिस, ये भी आपका क्या नहीं है, ये बैक्टीरियल डिसीज नहीं है. नेक्स्ट कैनक्रॉइड्स, ये आपकी बैक्टीरियल डिसीज है. एंड सिफिलिस, ये भी आपकी बैक्टीरियल डिसीज है. तो इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, एंड फिफ्थ. तो इसमें आता है हमारा यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड, सेकंड तो नहीं होगा, थर्ड वाला भी नहीं होगा, सेकंड भी नहीं होगा, तो इसमें आ जाएगा फर्स्ट, फोर्थ एंड फिफ्थ. तो हमारे से बी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा. क्लियर, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या आता है, नेक्स्ट में आता है आपका, इट इज अ डिसीज विच मेनली अफेक्ट म्यूकस मैम्ब्रेन ऑफ द यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट. मतलब यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट में एक म्यूकस सीक्रेट होता है, एक वाटरी लाइक सब्सटेंस सीक्रेट होता है. इन मेल बर्निंग फीलिंग ऑन पासिंग यूरिन. जब मेल जब यूरिन पास आउट करते हैं तो उसमें उनमें बर्निंग, जलन सी होती है. ठीक है, अ येलो डिस्चार्ज अकम्पेंड्स बाय फीवर. फीवर भी कॉज होता है, मतलब यूरिन थोड़ा येलोइश कलर का आता है, हेडेक होता है, एंड फीलिंग ऑफ इलनेस लगती है अकर्स. इट्स मिनेम्स, उस डिसीज का नाम क्या है,
PKU फिनाइलक्यूटेनेरिया, ये नहीं है, ये तो आपने डिसीज़ पढ़ी थी जेनेटिक्स में, ये कौन सी डिसीज़ होती है, ठीक है। गोनेरिया एड्स, तो एड्स का भी आपका ये सिंपल आपका ये सिम्टम्स नहीं होता, ये सिम्टम्स किसका होता है, गोनेरिया का होता है, क्लियर। 77 क्वेश्चन देखिए, कन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर द STI, मतलब जो सेक्शुअल ट्रांसमिशन जो इन्फेक्शन होते हैं उसके लिए कौन से टेस्ट होता है, एलिसा टेस्ट होता है, ठीक है। PCR जो पॉलीमराइजेशन चेन रिएक्शन होती है वो भी आपका डिटेक्ट करने के काम आता है। नेक्स्ट DNA हाइब्रिडाइजेशन, ये भी आपको डिटेक्ट करने के काम आता है। तो उसमें आप यहाँ पे हमारा जाएंगे ऑल ऑफ दीज, सारे ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या आता है, हेपेटाइटिस बी इज ट्रांसमिटेड थ्रू, अब हेपेटाइटिस बी जो होता है बेटा कॉज वो किसके थ्रू ट्रांसमिटेड होता है, तो आपको बताना है ब्लड ट्रांसमिशन के थ्रू कॉज हो सकता है, करेक्ट है। इंटीमेट फिजिकल कॉन्टैक्ट के थ्रू हो सकता है, ये भी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट सेक्शुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू भी हो सकता है, ये भी हमारा करेक्ट है, क्लियर। इसमें आता है ऑल ऑफ दीज हमारे करेक्ट है, तीनों करेक्ट हो जाएंगे, 77 का डी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या आता है, द कॉमन मीन्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एड्स, एड्स का मतलब क्या कॉमन मीन्स है, किसके थ्रू आपका ये ट्रांसमिशन होता है, सेक्शुअल इंटरकॉर्स के थ्रू होता है, करेक्ट है। ब्लड ट्रांसमिशन के थ्रू होता है, करेक्ट है। प्लेसेंटल ट्रांसफर के थ्रू होता है, मतलब मदर टू फीटस के थ्रू ट्रांसफर हो सकता है, ये भी है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन, कोई इन्फेक्टेड ब्लड है उसके थ्रू कोई नॉर्मल ब्लड में वो ट्रांसफ्यूजन कर दिया, मतलब ट्रांसफ्यूज कर दिया उसका ब्लड, उसके थ्रू कॉज हो सकता है। और इंटरकॉर्स के, सेक्सुअल इंटरकॉर्स के थ्रू तो ही होता है, तो ऑल ऑफ दीज, ये हमारे ऑल ऑफ दीज करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। 79 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग STI आर नॉट अ कम्प्लीटली क्यूरेबल, STI कौन सा ऐसा है जो कम्प्लीटली क्यूरेबल, जिसका नहीं है। अगर इसका अर्ली डिटेक्शन कर लिया जाए तो क्यूरेबल है, लेकिन अगर थोड़ा थोड़ा मिडिल पॉइंट्स में जाए या थोड़ा थोड़ा बाद में जाए तो इसकी कोई भी प्रॉपर क्यूरेबल नहीं है, ठीक है। तो इसकी हम बात करते हैं यहाँ पे कि क्लमाइडियसियस इसका तो कर सकते हैं, यहाँ पे गोनेरिया का भी कर सकते हैं और ट्राइकोमेनेसिस का कर सकते हैं, बेसिक नॉट आपसे पूछ रहा है, ठीक है। कैनक्राइड, सिफिलिस, जेनाइटल रॉट्स, जेनाइटल हब्स का नहीं कर सकते, जेनाइटल रॉट्स का कर सकते हैं, तो ये हमारे करेक्ट हो जाएंगे। एड्स का ठीक है, एड्स का नहीं कर सकते, सिफिलिस का तो कर सकते हैं लेकिन हेपेटाइटिस बी का भी नहीं कर सकते, बट सिफिलिस का हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो एड्स, जेनाइटल हब्स और हेपेटाइटिस बी, तो इसमें हमारा जो डी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो बेटा हमने यहाँ पे अपने 51 से लेके 80 क्वेश्चन तक फिनिश किए, इसके बाकी जो आगे और भी जो क्वेश्चंस होंगे वो अपने नेक्स्ट वाले लेक्चर में कवर करेंगे, और उसके साथ साथ कुछ हम अपने एग्जाम्पलर प्रॉब्लम होंगे उनके क्वेश्चन भी नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।